आज के इस एपिसोड में हम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 का जो है आंसर की देखेंगे, किन प्रश्नों का क्या राइट आंसर रहा है। आपको यह प्रश्न कल ऑफलाइन मीडियम के थ्रू दिए गए थे और जो है इसमें आप लोगों ने, कई लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो चलिए आप अपने आंसर्स मिला लीजिए और जो है अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का जो है आंसर की बताने से पहले यहाँ के इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए दिया गया है और जो टोटल मार्क्स है वो 200 नंबर का है। जो लोग 140 प्लस का स्कोर कर रहे हैं वह बेहतर स्थिति में है और जिनका स्कोर 140 से कम का है उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं। मानव शरीर का औसत तापमान यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, पहला का डी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताएंगे कि किस प्रश्न का क्या आंसर है। इन सबको एनालिसिस के साथ डिस्कस करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर थर्ड की बात करें, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय यह जो है अबू धाबी में है, सी का ए होगा। फोर्थ का, नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा इनमें से कोई भी नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सच नहीं। बाकी जो तीन कथन है, अधिनियम की अलग प्रस्तावना थी, इसने केंद्रीय विधानमंडल को विश्व में बनाया है और भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है, यह तीनों कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है यहाँ पर सिलिकन कार्बन का एक रूप नहीं है। सेवेंथ का जो है सी होगा करेक्ट, गुजरात में है। इस सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने लूटा था यह भी आपको पता होना चाहिए। 15 का जो है बी होगा, बोलो। भारत में पहला बैंक जो था वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 10th का सी चंपारण। 11th का जो है यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, यह है कि प्रश्न निम्न से कौन जो है फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गोल गुंबज। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा से क्या हो जाता है? तो पथरी का निर्माण हो जाता है। जो आप अक्सर स्टोन स्टोन के बारे में सुनते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? एनसीआर क्षेत्र में। ऑप्शन बी, 14 का बी, 15 का सी हो जाएगा यहाँ पर। इनमें से कौन सा जो है एक बोर्ड का खेल नहीं? अगर आप देखेंगे सांप सीढ़ी शतरंज और चेकर्स, ये सारे खेल बोर्ड पर खेले जा सकते हैं, हालांकि जबकि ब्रिज जो है यह बोर्ड पर नहीं खिला सकते। 16 का सी, 17 का जो है राइट आंसर है सी, 18 का यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट बी। सोडियम कार्बोनेट जो है टूथपेस्ट की सामग्रियों में से नहीं आता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल क्या होता है आपको यह बेहतर पता होगा। 19 का जो है यहाँ पर, भारत ने अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह में पहुंचने में कामयाबी पाई थी। इसके ऊपर मंगलयान मूवी बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है यहाँ पर लोक नृत्य कौन सा नहीं है? अगर आप मोहिनी अट्टम को देखें, यह जो है लोक नृत्य नहीं है, मतलब फोक डांस नहीं है, जबकि बाकी जो है यह फोक डांस है। मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है, किस राज्य का है आप हमें कमेंट में बताएं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के रूप में प्रमुख कार्य करते हैं, 21 का बी हो जाएगा। इसके बाद जो है 22 का प्रश्न का जो है, सबसे पहले अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो थे वह थे राकेश शर्मा, ऑप्शन बी। 23 का जो हो जाएगा, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि वह उसमें हवा में रखने में जो है ऑक्सीडेशन होता है और आग पकड़ लेता है। 24 का जो है विक्टोरिया वाटरफॉल्स यह कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
मैलिएबल जो है किसके गुण को दर्शाता है, किसकी प्रॉपर्टी है? तो ऑफ कोर्स ये मेटल्स की है, 25 का बी। 26 का जो है यहाँ हो जाएगा कॉन्टैक्ट लेंस, सामान्य रूप से जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हाइड्रोजन से। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है, यह होता है सर्पिल। 27 का सी हो जाएगा। 28 का क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। 29 में जो है कौन से वर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था? 1962 में जो है भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। निम्न में से सबसे छोटी इकाई जो है वह कौन है? सबसे छोटी इकाई जो है वह है टेराबाइट। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ये तो आसान प्रश्न है, सबको पता होगा, इस्लामाबाद। कांच का जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? सिलिका होता है। क्रायोजेनिक इंजन, हालांकि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है और इसमें क्या होता है कि कम तापमान होता है, लो टेम्परेचर पे यह काम करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT क्या है? यह एक तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, यह आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है निम्न में से किसे माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन को किया जाता है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। MRI का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम जो है किस देश के बीच में की एक संयुक्त पहल थी? तो यह थी भारत और ब्रिटेन के बीच की। भारत सरकार ने भारत में कितने नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? आपको ऐसे इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। तो इसका यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दुनिया की पहली जो है अंतरिक्ष यात्री कौन थी, महिला अंतरिक्ष यात्री? तो वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 1928 में बरदोली सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें इन्हीं सत्याग्रह के बाद जो है सरदार के नाम से लोग बुलाने लगे थे। उसके बाद जो है कौन एक अंतर्देशीय कल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? यह जल हो जाएगा, माफ कीजिएगा प्रश्न में, यह जो है जल है यहाँ पर। तो यह इसका उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पेरियार नदी। इसमें इसके बाद जो है 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में जिसने की थी वो थे विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ी जो है के बारे में क्या सच नहीं है? सॉइल हेल्थ कार्ड जो है यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है, यह यहाँ पर कथन गलत है। आपको यहाँ पर गलत कथन चुनना था, बाकी जो कथन है वह यहाँ सही है। जैन अवेस्टा किसके धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? यह पारसी धर्म के साथ जुड़ा है, ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा। एक मानव हड्डी का जोड़ इनमें से क्या नहीं है? तो मैक्रो जो है वह मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। इसमें से कौन है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2 बार काम किया? तो वह है गुलजारी लाल नंदा। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर है सीटी का सी, सी फॉर कंप्यूटेड और टी फॉर टोमोग्राफी। यहाँ उत्तर जो है 47 का सी हो जाएगा। भारत की मार्शल आर्ट का इनमें से कौन सा जो है वो खेल नहीं है? थांग टा, सिलम्बलम, जेलहाउस रॉक या परीखांडा? इसमें जेलहाउस रॉक जो है यह कोई मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। आपको CEC का इसमें जो है मतलब बताना है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 324 जो है हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन को बैठाने की बात करता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है एक लोक नृत्य शैली नहीं, मतलब फोल्क डांस जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो कुचिपुड़ी जो है यह एक क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा जाता है। 51 जो है गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किस चीज की बनी होती हैं? यह बनी होती है पॉलीथीन की, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। 52 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो है 53 का जो है कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन इनमें से कौन नहीं था? इसमें जो वॉयेजर 1 यह
अंतरिक्ष का एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है लेड। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है 54 का। आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क एट होम पहल किस 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 चीज के लिए? तो यह है बैंकों की महिला कर्मचारियों के लिए। मक्का कहाँ पर स्थित है? तो मक्का जो है वह है सऊदी अरब में। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? यह जो होते हैं मुख्यतः बेसिकली यह होते हैं सुक्रोज। ऑप्शन ए। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य जो है वह है हम्पी। 58 का भी ऑप्शन ए होगा। प्राचीन गणितज्ञ गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहाँ से कहा जाता था? क्या कहा जाता था उसे? उसे कहते थे एबेकस। 59 का यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से क्या एक नहीं है? तो वह जो है यह होगा ऑप्शन ए। रेगुलर्स जो है यह आकाश गंगा के बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है। बाकी जो है वह आकाश गंगा के प्रकारों में से आता है। इसके बाद जो है 61 का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 का ऑप्शन ए। असम जो है म्यांमार के साथ सीमा नहीं शेयर करता है। 63 का जो है यहाँ पर उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की जो है प्रदान की गई थी। ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो आयोजित की गई थी वह थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जो कि बाद में HRSA बन गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 का जो है उष्मा ट्रांसफर वह प्रतिबिंब, यहाँ उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं लॉलीवुड। 66 का हो जाएगा बी। 67 का जो है स्टार्ट मेन्यू होता है एक ऑप्शन और कमांड का बस सेट होता है। 67 का बी हो जाएगा। 68 का सी मनुष्य मनुस्मृति जो है यह लिखी गई थी संस्कृत में। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किस चीज संबंधित है? मतलब यह किस चीज के प्रिंसिपल पे चलता है? तो वह चलता है डॉपलर इफेक्ट पे। ऑप्शन ए। विंडोज 10 क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चार्ल्स विंसिंगटन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण जो है 1785 में प्रकाशित किया गया। 71 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो है आइसक्रीम में स्टेराइड रूप में जो काम आता है वो होता है जिलेटिन। 72 का ए। 73 का हो जाएगा जो कोलोजियम है वह कहाँ स्थित है? तो वह रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष। कोई भी ऑनलाइन डेमो क्या होता है? यह होता है एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। 112 के तहत संविधान के अनुच्छेद में जो है बजट का डिफाइन किया जाता है। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है और किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कुतुब शाही राजवंश के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व वेट लैंड डे कब मनाया जाता है? यह हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। 79 का ए हो जाएगा। 80 का जो है तीसरे सम्राट थे मुगल वह थे अकबर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप फारेनहाइट में बदलेंगे तो यह होगा 212 डिग्री फारेनहाइट। 81 का बी। 82 का जो है यहाँ पर कितने राशि चक्र हैं? तो टोटल राशि चक्र है 12। जीआई जो है यह जीआई उपज होगा यहाँ पर किस की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जीआई के बारे में यहाँ बताया था आपको। 84 का जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक यहाँ पे आपको बताना है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर होता है। ऑप्शन ए। ब्रेल दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया गया है?
35 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट। 86 का, कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए जो सनस्क्रीन पर बैन लगा है वो देश पहला बन गया है पलाऊ। 86 का बी होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। 87 का ए, वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में नामित किया गया है। 88 का बी हो जाएगा। 107वें भारतीय राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में अभी हाल ही में किया है। यह कब किया गया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज जो बने हैं वह है मुजीबुर रहमान। ऑप्शन सी, 90 का सी हो जाएगा। 91 का, जो व्हाट्सएप सेवा दामिनी है वह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। 91 का सी, मुद्रा नोटों की पहचान हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप जो लॉन्च किया है वह किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। 92 का सी, और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव के आवरण में जो वृद्धि हुई है वह हुई है 54 वर्ग किलोमीटर। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य केरल बना है। 94 का डी होगा। 95 का भी डी होगा। विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप को मैग्नस कार्लसन ने जीता। और प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, माफ कीजिएगा यह प्रश्न जो है इसमें ऑप्शंस जो है यहाँ पर 1 जनवरी होगा इसका उत्तर, तो आप इस प्रश्न को छोड़कर चलेंगे। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किया गया है वो आयोजित किया गया है गुवाहाटी में। 97 का ए, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। 98 का डी, 99 का जो है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है उत्तर प्रदेश में। और जो आखिरी प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा 2026 तक। 100 का सी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने आप अपने प्रश्न को यहाँ मिला लीजिए इनके उत्तरों को, और हमें अपने जो है कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और अगर आपका कोई सुझाव है, जैसे कि आपको किसी टॉपिक में परेशानी हो रही है या आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में जो है कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका स्वागत है, हम उसके ऊपर जो है काम करेंगे। पर फिलहाल के लिए जो है आप मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। आपको लिए जो पहला टेस्ट था, इससे आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपको किस तरह से अपने आप को जो है प्लान करके आगे चलना है। भविष्य में क्या होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, वो तो बात की चीज़ है, पर आपको जो है अपने लिए तैयार बिल्कुल रहना चाहिए एग्जामिनेशन को लेकर। इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सकता है दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।